राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्यों 100 बोरे? वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मगर मैं ये सब कैसे? अच्छा, इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। क्या करूं, अब कहां से लाऊं मैं इतने बोरे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन? क्या बात है? तू इतने दुखी क्यों हो? वो लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब मैं क्या करूं? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। हाँ? मैं इसका हल निकाल देती हूँ। सच? हाँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। ये लो। अरे, इतने बोरे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा अब मैं चलता हूँ। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। हाँ? अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। दोबारा? हाँ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर 100 बोरे? हाँ जी, अच्छा ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आई। अरे आ गई तुम? अरे तुम? उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, हाँ एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। हाँ? लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। क्या? हाँ, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। हाँ गले? लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई।
इसे वो सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। ये लीजिए राख की रस्सी। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों बोलो। Ha 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 ha